इंसान की ये फितरत है, हर चीज को इतना हल्के में लेता है कि वही चीज वजनदार होकर उसको कुचल देती है। हमने कोरोना को भी बहुत हल्के में लिया था, पर अब इसका असर व्यापक होता जा रहा है। दिल्ली में हर 10 मिनट में एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। अगर आपको ये दुनिया प्यारी है, अपना परिवार प्यारा है, तो एहतियात बरतिए, खुद भी और अपने परिवार को भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाइए। डरिए नहीं, लड़िए कोरोना से। वैसे आपको कुछ बातें और भी बताते चले कि कोरोना वैक्सीन बन चुकी है और जल्द ही बाजार में आने वाली भी है। फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन जिनका परीक्षण हो चुका है और 95% तक कारगर है, बाजार में आने वाली है। ये वैक्सीन आएंगी जरूर, पर आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर रहेंगे, क्योंकि इनका वजन इतना ज्यादा है कि आम आदमी की जेब इनका भार सही नहीं सकती। लेकिन संविधान हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है। आम आदमियों के लिए भी वैक्सीन है जो कि 70.4% से 90% तक कारगर है। उसका नाम है कोविशील्ड, जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा बनाई गई है। इस वैक्सीन को कंपनी यूके में ड्रग रेगुलेटर के सामने रखेगी। अगर इसे अप्रूवल मिलता है तो अपने देश में भी ये वैक्सीन जनवरी तक उपलब्ध हो सकती है। भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड की 100 करोड़ डोज की डील एस्ट्राजेनेका से कर ली है। हमारी अपनी स्वदेशी वैक्सीन भी बन चुकी है, जो कि कम से कम 60% तक कारगर है। हमारे स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की निर्माता भारत बायोटेक ने बताया है कि यह टीका संभवतः जून तक बाजार में आ सकता है। बाजार में आ जाने के बाद उसे तेजी से लाने ले जाने के लिए भारत के प्रमुख हवाई अड्डों पर उड़ाने और तापमान नियंत्रित क्षेत्र तैयार रखे जा रहे हैं। ढुलाई करने वाले ऑपरेटरों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। शून्य से 20 डिग्री नीचे के तापमान पर सामान रखने के लिए बने चैम्बर भी तैयार है। टीकों की विशेष जरूरतों को देखते हुए मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता, दिल्ली और बंगलुरु में विशेष फार्मा कंडीशन स्टोर रूम तैयार किए गए हैं। वैसे अब तक देश में कोरोना के कुल मामले 91 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि रात की बात है कि इनमें से करीब 93% मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। आंकड़ों के अनुसार पिछले एक दिन की स्थिति के लिहाज से दिल्ली हर मामले में शीर्ष पर है। यहाँ सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिलने के अलावा मौतें भी सबसे ज्यादा हुई है। वहीं संक्रमित मरीजों को सबसे ज्यादा डिस्चार्ज भी किया गया है। महाराष्ट्र भी इससे अछूता नहीं है। महाराष्ट्र में कोरोना के हर दिन 5 से 6 हजार मरीज आ रहे हैं। ऐसे में आशंका है राज्य सरकार फिर से कुछ दिन के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। हालांकि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा, हालात की समीक्षा के बाद लॉकडाउन पर फैसला होगा। केंद्र सरकार यूपी, पंजाब व हिमाचल में उच्च स्तरीय दल भेजेगी। इन राज्यों में सक्रिय मामलों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 3 सदस्यीय दल उन जिलों में जाएंगे जहां अचानक अधिक मामले मिले हैं। इसका काम संक्रमण को सीमित रखने, निगरानी, जांच और फॉलो अप में मार्गदर्शन करने का है। इससे पहले भी राज्यों में केंद्रीय दल भेजे जा चुके हैं। केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकारें भी इस महामारी को लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी इसकी रोकथाम के लिए सख्तियां बढ़ा सकती है। सूत्रों के अनुसार यूपी सरकार हर पहलू पर विचार कर रही है ताकि कोरोना पर नियंत्रण के साथ साथ आर्थिक गतिविधियां भी सुचारू रूप से चलती रहें। वैक्सीन किस तारीख को आए ये बताना अभी मुश्किल है, पर आज की तारीख में आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। जैसे ही और भी अपडेट हमारे पास आएंगे, हम आप तक हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। तो मास्क लगाइए, खुद को बचाइए और मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए जनता का राज। अगर आपको खबरें पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही साथ अपने मित्रों तक भी खबरों को शेयर करें, ताकि हमारा परिवार, हमारा दायरा और बड़ा हो और हमारी खबरों का असर और व्यापक हो। धन्यवाद।